स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। जहाँ आपकी भूल हो वहीं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, ये सबसे अच्छा हल है। यहाँ न तो चालाकी दिखाओ न तो उदंडता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बिल क्लिंटन का के ऊपर अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जिस पर महाअभियोग चला, लेकिन सदन ने उसको, पार्लियामेंट ने नकारा, बोला एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेरिका, उसके ऊपर एक वाहियात चीज़ के लिए महाअभियोग नहीं चलाएंगे। महाअभियोग रिजेक्ट हुआ। पता है बिल क्लिंटन ने खुले दिल से पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगी, हालांकि महाअभियोग चल रहा था, उसने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। क्या किया उस लड़की से या किसी से? माफ़ी नहीं मांगी। देखिए खास बात यह थी, जब ये प्रोसेस स्टार्ट था उसने किसी से माफ़ी नहीं मांगी। जब पार्लियामेंट ने खारिज कर दिया, बोला नहीं, राष्ट्रपति जैसे बड़े आदमी के लिए, साधारण लड़की है, लेवेंस की नाम था, क्या था नाम वो लड़की का, मोनिका लेवेंस की, वही है ना, उसने बोला ऑर्डिनरी लड़की, इतने साल पहले क्यों नहीं बोला, इसके अपने हित है। पार्लियामेंट ने खारिज कर दिया, भला होगा इसको। जब उस पर यह भी नहीं चला, वो एक तरह से बरी हुआ, उसने बाद में माफी मांगी, बोला यहां मेरी भूल थी, मैं अपने देशवासियों से भी माफी मांगता हूं, अपनी पत्नी से भी माफी मांगता हूं। इस क्षमा ने बिल क्लिंटन को हीरो बना दिया था, नहीं तो उसको कोई पूछना नहीं था। आप कहीं अकड़ एंड्स नहीं दिखाना, जहां भूलो वहां, चाहे नॉर्मल आदमी हो, ये मैं सोच रहा, ये गुड़िया छोटी पतली सी है, दुबली है, क्या कर लेगी मेरा, इसके पास आत्म ताकत है। ठीक है, दुर्बल को न सताइए या की मोटी हाय, बिना श्वास की फूक नहीं लोहा देत गलाए। पता है अभी भी क्या हुआ था, उस आदमी का जैसे ध्यान आता है, उसके लिए मुझ में ये सोच आई, हालांकि मैंने कुछ नहीं बोला, उसने इतना ही कह देना था ना, गलती हुई, क्षमा कर, सॉरी, बस बात खत्म थी। उसने ये शो किया, कुछ भी तो नहीं हुआ, उसमें ये धारणा ये होगी, क्या कर लेंगे, यही अहंकार है। मैथमेटिक का एक नियम है, जहां सवाल में उलझ जाओ क्रॉस कर दो, दोबारा चलना, ठीक है, उसको वहीं क्रॉस कर देना, नहीं तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, दोबारा स्टार्ट करना, दोबारा स्टार्ट करना। इसी तरह जहां भूलो स्वीकार करना। और तीसरी मेमोरी है, मैं आपके सामने जो बातें रख रहा हूं प्रैक्टिकल, मैं आपके सामने जो बातें रख रहा हूं बड़ी प्रैक्टिकल। जब ये आत्मा अमर लोक पहुंचती है, परम पुरुष को देखती है, अमर लोक को देखती है, हंसों को देखती है, उसे याद आता है, ओ ये तो मैं यहां था ही, कोई अनजाना नहीं मिलता है, कोई नया नहीं मिलता है, इसका मतलब यह था आप परमात्मा को जानते हैं, आप अमर लोक को जानते हो, आप वहां से आए हैं, पर यह वर्तमान की जो मेमोरी है ये उससे याद नहीं आएगा। ठीक है, अंतःकरण की मेमोरी से भी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके गवाह नहीं है। सच ये है, गुरु नामदान के समय जो ताकत देता है वो मन को बाईपास करके देता है, थ्रो मन के नहीं दे रहा है। अगर मन के द्वारा दिया होता तो मन कभी रुकू कर देना था, निकाल देना था, वो चीज़ आप निकाल नहीं सकेंगे। आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे एक शिष्य ने गलती की बड़ी, मैंने उसको कहा अब तुम नहीं आना कभी यहाँ, ऐसी सजा दो तीन आदमी को दिया हूँ 45 साल में, ज़्यादा को नहीं, डांटा होगा, फटकारा होगा, नाराज़ हो गए होंगे, बोला नहीं होगा,
या किसी को 6 महीने नहीं आना ऐसा कह दिया, उसको कहा कभी नहीं आना, वो मुझे कहा क्षमा करो, मैं बोला नहीं। वो मुझसे काफ़ी ट्राई किया माफ़ी की, मैं कहा नहीं जाओ। तो उसने मुझे एक बात कही, अब मैं क्या करूं? उसने बोला यहाँ नहीं आऊँगा, रास्ते में कहीं मिले प्रणाम करने दोगे? मैं बोला नहीं। कहीं आपको मैं बंदगी और जगह करूँ? मैं बोला कहीं नहीं, नहीं आना, भूल ऐसी थी कुछ, नहीं आना। फिर क्या करूँ? बोला सुनो, मैं जानता हूँ आप मुझे ये सजा ज़रूर देंगे, मैं भी आपका शिष्य हूँ, लाजमी भी है, लेकिन एक बात सुनना, मैं और कोई भक्ति कर ही नहीं सकता हूँ। आपने मुझे ऐसे खंगाल दिया बाकी भक्तियों के प्रति कि वो मुझे सब खिलौना लगती है, नरक में भी जाऊँगा आपको पुकारना है। देखिए ये उसकी प्लस पॉइंट थी, ठीक है? तो इसलिए आपकी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, रहस्य ये है। जब किसी दुनिया में बहुत लोग हैं, किसी आदमी से आपका काफ़ी लगाव, काफ़ी मित्रता, काफ़ी नज़दीकी हो जाती है, ये भी संस्कार है, ठीक है? जो आपके मित्र बन रहे हैं ये भी संस्कार के कारण, जो आपको दुख देने वाले आ रहे हैं वो भी संस्कार के कारण, जो बेटा जन्म लेकर आपको पीड़ा दे रहा है वो भी संस्कार के कारण। लेकिन आम आदमी ये संस्कार की बात को नहीं समझ सकेगा। नामदान के टाइम पर आपकी ये सब चीज़ें हमने निकाल दी, कर्म कोटि कर्म पल में कटे, आपको हमने चेंज किया। थोड़ा मैं इस एक विषय पर बात करता हूँ। कभी कभी मेरे एक सेंटेंस पर विवाद उठता है, उसको बारीकी से समझो। मैं कह रहा हूं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, इसको कुछ लोग अदरवाइज में लेते हैं, कहते ये घमंडी है इनका गुरुजी। कह रहा है जो वस्तु मेरे पास, मेरे वर्ड सुनना, सोचना, ये तो भरोसे से कहे हुए शब्द हैं, अहंकार से कहे हुए थोड़ी है। वर्डिंग क्या है आप चेंज नहीं करना, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, वर्डिंग देखना। यह आदमी वर्डिंग नहीं देख रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो वस्तु किसी के पास नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं, कहीं नहीं, ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। ठीक, टेक्निकली अभी बताता हूं। अच्छा, मेरा सेंटेंस तो यह है कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। अब मैं ये निजी तौर पर बोल रहा हूं, ठीक है? सच में जो चीज मेरे पास है, पर वो मेरा जो स्लोगन है वो ये नहीं है, वो तो ये है जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, वो तो यूं है, हकीकत भी है, एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं ये निजी तौर पर बोल रहा हूं, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। ठीक है, ये थोड़ा कठिन हो गया, इस पर विवाद हो सकता है, पर जो पहली बात थी उस पर विवाद करना तो बेवकूफी होगी।
ऐसा क्या है? सुनो, आप यकीन रखना, आप मेरे गवाह हैं, आप मेरे प्रत्यक्ष साक्षी हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी किसी का अंतःकरण परिवर्तित नहीं कर सकता, ठीक है? वहां तक पहुंच नहीं है। ये वो जगह है जहां आदमी अपनी स्त्री को भी नहीं झांकने देता है। मैंने वहां झाड़ू लगाया है जाकर, ठीक है? ये वो जगह है जहां स्त्री अपने आदमी को भी नहीं झांकने देती है। अंतःकरण में वो पॉइंट है, वहां ऐसा नहीं लगता है कि पहली बार आए हैं, प्रभु पहचाना हुआ लगता है। क्यों नहीं होगा? आप उसके हैं, आप हैं ही उसके, आप वहां रहे हुए हो। देखो भाई, आप सपना देखते हैं, जब आप सपना देखते हैं इस चेतना से निकलकर दूसरी चेतना में जाते हो ना, सपना रात भर देखकर जब वापस आ जाते हो इस चेतना में, तो कभी ये दुनिया अनजानी लगती है क्या? भाई नींद खुल गई तो क्या होता है? हम जागृत में आते हैं, जो जागृत है वो क्या है? इस दुनिया का आभास किया, वापस जब नींद से जागृत में लौटते हो तो क्या दुनिया अनजानी लग रही है क्या? समरसन जी नींद से वापस आया तो अपनी गिरीशा और अपनी बेटी गीतांजलि को पहचान रहा है कि नहीं? अपनी पत्नी को पहचान रहा है कि नहीं? यहाँ नए सिरे से फिर रिश्ता कर रहा है, पहचान रहा है ना? इसी तरह जैसे सतलोक में जाते हैं, तो याद आ जाता है, यहां तो था ही मैं, अरे मैं आश्चर्य लगता है, हाय क्या क्या हुआ? सुनो, यहां एक बात बताता हूं, ये संसार केवल एक पल है, एक पल भी नहीं है। अपना संकल्प विकल्प रोक दो, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या समय हुआ, ठीक है? आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सुनो, मैं आपको एक अनूठी बात बताता हूं, शायद मेरी इस बात पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने चित्त की कल्पना कंप्लीट स्टॉप की, मत सोचना पहले क्या थे। मैंने ये भी भुलाया कि मेरी माँ की शक्ल कैसी है, मेरे भाई कितने हैं, मेरे पिता का नाम क्या है। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? इसका मतलब है कि मन पर नियंत्रण नहीं है ना। मन पर कैसे नियंत्रण करें? आओ, अब मन को कैसे काबू करें? मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इसी से काबू करेगा। मन संकल्प करता है, संकल्प रोक दो, नहीं करना है संकल्प, दबा दिया आपने। बुद्धि निश्चय करती है, कोई फैसला नहीं करना, स्टॉप कर देना। और चित्त याद करता है, कुछ भी याद नहीं करने देना। अहंकार क्रिया करता है, कोई एक्टिविटी नहीं करने देना। राजा जनक ने कहा, जो मुझे एक पल में आत्मा का ज्ञान देगा उसे मैं 1000 गायें, हर गाय के सींग पर सोने की मोहर दे दूंगा। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं दूंगा आत्मा का ज्ञान पल में। बोला, हे जनक, आत्मा का ज्ञान चाहते हो? बोला, सुनो, मुझे तन मन धन तीनों दो, गुरु धारण करो, फिर आत्मा का ज्ञान दूंगा एक पल में। उसने कहा ठीक है, दिया। बोला, हाँ, तन मन धन दिया।
बोला आज से तुम्हारा तन मेरा हो गया। बोला बिल्कुल, इसलिए तो आपसे भी मैंने तीनों लिया। हे जनक सावधान, अब ये शरीर मेरा है, तू मत सोचना मैं जनक हूं। धन मेरा हो गया। बोला हाँ, ये महल, ये सेना, ये संपत्ति, ये खजाना जो तू मेरा धारण करके अपने अंदर बैठा है, बुला दे, ये तेरा नहीं है। जनक खबरदार, इस मन से कुछ भी सोचा, कुछ भी याद किया, कुछ भी क्रिया की, आज्ञा देता हूँ, मन तू मुझे दे चुका है, इसलिए कोई इच्छा नहीं करना। अब जनक कोई संकल्प नहीं करना, अब कोई फैसला अब नहीं करना। फैसला बुद्धि से होता है, बुद्धि मन का रूप है, इसलिए वो भी तू मुझे दे चुका है। हे जनक खबरदार, कुछ भी याद किया कि मेरी पत्नी है, मेरी घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, चित्त मेरा हो गया। अहंकार एक्टिविटी जो भी मूवमेंट करो, कुछ नहीं करो, ये मेरा, आंख बंद कर। देख उसके बाद क्या बचा है। राजा जनक था, पात्र था, बोला बस आत्मा देख ली। संकल्प और विकल्प, यही रामायण में, यही वशिष्ठ ने राम को कहा, ठीक है। इसको साहब ने एक शब्द में कह दिया, बड़ा प्यारा। आखिर इसके बाद क्या बचा बहन जी? एक शुद्ध चेतन, ठीक है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, जिसमें कोई संकल्प नहीं है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ये बचा, ये है आत्मा। पर ऐसा आता नहीं है पल, आदमी के दिल में उपम्पो, याद, चेतन, फलाना, ठिकाना, ये वो, ये चलता रहता ना। साहब कह रहे आसन साधे आप में, जो बाकी बचा वो आप हैं, इसमें आ जाए, जो संकल्प विकल्प के बाद स्थिति बची उसमें आ जाए। और आपा डायरेक्ट होए, आपा क्या, इंडिविजुअलिटी, जो ये है मैं हूं पंचाल, ये भुलाए, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये अंतःकरण, इसको खोल दे। हमारे दिल और दिमाग का गहरा संबंध है, क्या है, जो ये हार्ट है, ईश्वर ब्रेन का संबंध है, चोली दामन का संबंध है, हृदय और मस्तिष्क। जब भी कोई ऐसी बात हुई, हमारा मस्तिष्क जैसे उदास हुआ, ये भी उदास हो जाता है, ठीक है। और हमारा हृदय, इसको कैसे, जब टेंशन ब्रेन को आती है, हृदय उसको भी वियर करता है, उसको भी लेता है। इसलिए जब हार्ट को, जब मस्तिष्क को ज़्यादा परेशानी हुई, तो ये मस्तिष्क के बिना जीता नहीं है, और मस्तिष्क इसके बिना कुछ नहीं करता है, इसलिए इन दोनों का संबंध है। तो जो भी चिंतन हुआ, हमारा मस्तिष्क परेशान हुआ, तो हमारे हार्ट को भी परेशानी मिलती है, जो फिजिकल हार्ट है इसको भी मिलती है। और देखो फिर रात भर नहीं सो पाते आप, पूरा सिस्टम बॉडी का बिगड़ता है। इसलिए अंतः हृदय को मूवमेंट कौन दिला रहा है? उस प्राणवायु हार्ट बीटिंग में मदद कर रही है। प्राणवायु का आधार कौन है? आत्मा। इसलिए हमारी आत्मा, हृदय, मस्तिष्क, चेतना आदि मिलाकर अंतःकरण कहलाता है। मैंने आपके मन को संतुष्ट नहीं किया, मैंने आत्मदेव को संतुष्ट कर दिया, मैंने जो दिया आत्मदेव को दिया, आत्मदेव जान गया, मन की शंकाओं का निराकरण कर दिया, ठीक है। मैंने टच आत्मा से किया है, जो कुछ आपको दिया आत्मा को दिया, मन को नहीं दिया। मन को देना था तो उछाल कर बाहर फेंक देना था मन ने, इसलिए मैंने जो दिया आपकी आत्मा को दिया, मन को बाईपास करके दिया। संगी।
स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। मैंने आपके मन को संतुष्ट नहीं किया, मैंने आत्मदेव को संतुष्ट कर दिया, मैंने जो दिया आत्मदेव को दिया, आत्मदेव जान गया, मन की शंकाओं का निराकरण कर दिया, ठीक है। मैंने टच आत्मा से किया है, जो कुछ आपको दिया आत्मा को दिया, मन को नहीं दिया। मन को देना था तो उछाल कर बाहर फेंक देना था मन ने, इसलिए मैंने जो दिया आपकी आत्मा को दिया, मन को बाईपास करके दिया। मेरा एक नाम ही था, वो रिटायर हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम थी, कह रहा था बाईपास कराना है सर्जरी, मैं कहा नहीं करो, एज डू अभी मूली पपीता खीरा खाना, थोड़ी दवा खा रहे थे, मैं कहा दवा खा ले भले, ठीक है। दवा क्या देते हैं उनको, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को लेस करने का और ब्लड डिस्ल्यूट करने की मेडिसिन देते, इससे आदमी आगे कमज़ोर होगा, ठीक है। मैंने कहा मूली पपीता खीरा खा, पपीता एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में कभी भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ने देगा, चर्बी नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। ये भक्ति का ज्ञान क्या है, प्रेम, प्रेम का मूल्यांकन कैसे करें, समर्पण और विश्वास, ये प्रेम का अंग है। अगर इंसान भक्ति करके इधर उधर भटक रहा है, समझो अभी तक वो नहीं भक्ति पाया। मैं एक पॉइंट पर ले आता हूं, ठीक है। पॉइंट पर कैसे ले आया, आपको सिद्ध करके बताया कि बाकी चीजें अनुचित हैं, यहीं स्टैंड हो जाओ, ठीक है, गुरुमुख होना है, सब काम बन जाएंगे। साहब ने एक शब्द में कह दिया, तू मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं व्रत उपवास में, उसमें भी नहीं मिलूंगा, ना मैं वन में, जंगल में भी नहीं हूं, ना बस्ती में, शहर में भी नहीं हूं, नहीं अनहद के वास में, ना मैं जल में, पानी में भी नहीं हूं, ना मैं थल में, थल में भी नहीं हूं, नहीं पवन आकाश में, पिंड ब्रह्मांड में भी नहीं हूं, ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, काबे में भी नहीं हूं, क्रियाकर्म में मैं ना रहता, नहीं व्रत उपवास में, फिर कहूं कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरदम तेरे साथ में पर रहता हूं विश्वास में, ठीक है। सुनो, लोग कहते हैं मेहंदी पीसने से लालिमा लाती है, मैं कह रहा हूं नहीं, पीसना तो एक उपक्रम है, मेहंदी की लालिमा तो आती है ब्लड के सर्कुलेशन से, जो हमारा रक्त संचालित है ना, हो रहा है ना, वो लालिमा ला रहा है। ये नाड़ियां नीली क्यों है, हरे रंग की क्यों है, एक्चुअल ब्लड का रंग ही यही है, नीला हरा, ये बाहर हवा लगने के साथ लाल हो जाता है, ठीक है। यही मेहंदी की बात है, मेहंदी हरी है, ब्लड के सर्कुलेशन के बाद उसकी लालिमा आती है, इसलिए माताएं बहनें मेहंदी लगाकर आधा घंटा हाथ पांव पसार कर बैठती है, ब्लड के सर्कुलेशन से उसमें ये कलर आता है, ठीक है। इस तरह भक्ति खिलेगी भरोसे पर, ठीक है। चाहे कितना भी योग साधना करता रहे, अगर भरोसा नहीं, काम नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, यही बात धर्मदास ने, साहब ने धर्मदास को बोली, कर प्रतीत मिला उन तो ही। पता है नामदान के टाइम आपसे तन मन धन क्यों लिया, वो सुनो, तन इसलिए लिया
मेरे हो गए, जो कहूंगा वो करना। आपने दे दिया, धन इसलिए लिया, इसका अहंकार होता है कि ये मेरा है। मन क्यों लिया वो सुनो। मन के चार अंग है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मैंने इसलिए लिया, खबरदार अभी अपनी अकल कभी भी नहीं लगाना, जो मैं बोलता जाऊं वही करना सिर्फ, ठीक है भाई। जहां अपनी अकल लड़ाओगे वो मन है, इसलिए लिया, खबरदार कभी अपनी अकल नहीं लड़ाना। जहां अपनी अकल लड़ाओगे वो मन ही है। क्या करना, जो मैं कहूं वो करते जाना। 5 लाख लोगों को दीक्षा दी है, किसी से नहीं कहा कि पूरी प्रॉपर्टी लाकर मुझे दे दो। बोले दीक्षा कोई मामूली नहीं, आसन, बसन और आभूषण, सुत, दारा, स्त्री, आसन बसन वाहन, गाड़ी घोड़ा, ठीक है, परिचायक यानी सर्वेंट, सब ले धरे गुरु के आगे, सब उनके चरणों पर रखना चाहिए। मांगे जो गुरु प्रसाद सम दे दे, ये सब आगे रखकर बोलना है। अब आपकी आज्ञा क्या है, ये सब आपको दिया। तन मन धन देना इसका नाम है कि ये सच्चे रूप से देना है। अगर ये कंडीशन हो तो मुझसे कितने आदमी नाम लेंगे, कहेंगे बाप रे बाप, ये सब छोड़ना पड़ेगा ना। सुनो ठीक है, आपको एक बात बताऊं, आपने ये नहीं अनुभव किया, जितने लोग भी भक्ति लेते हैं थोड़े दिन उनमें जुनून होता है, बाकी नाना मत मतांतरों से बाद में वो डाइवर्ट होते हैं। मेरा मामला उल्टा है, जितना टाइम बढ़ता जाएगा मजबूत होते जाओगे। अब सवाल उठा, योगी कौन, जो योग कर रहा है पंच मुद्राओं का। जंगम कौन, जो आप देखते हैं शिवजी का ब्याह कराते हैं घंटी बजा करके उसमें, वो जंगम लोग हैं। सेवड़ा कौन, जो शमशान घाट में रहते हैं, भक्ति का प्रचार 6 महक में करते हैं, ठीक है। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ठीक है। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, खट दर्शन, सभी काल के रेश। साहब कह रहे ये 6 ही निरंजन तक की बात कर रहे हैं, काल पुरुष तक की बात कर रहे हैं। सेवड़ा क्या बोलते हैं, वो तांत्रिक है, काला इलम जानता है, शमशान घाट में रहते हैं, जादू टोना टोटका सिद्धियां वशीकरण ये जानते हैं, वो कौन है, सेवड़ा। सन्यासी वो क्या करता है, सन्यासी एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, शरीर का घोटम घोट करा देता है, इंद्रियों का दमन करके ब्रह्म का चिंतन करता है। वेशभूषा सर साफ, दाढ़ी मूछ नहीं होंगे और लंगोट कसेगा और इंद्रियों का दमन करेगा, वो सन्यासी है वेद के अनुसार। चल दरवेश ओगढ़ फकीर और ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या, खट दर्शन, खट कर्म, अर्थात तिथि त्योहार वार आदि ये मानना। ये 6 महक में और देवी देवताओं की उपासना, 33 कोटि देवताओं की उपासना और नियमान को सार सभी चीजों को करना, ये ब्राह्मण और ब्रह्म विद्या। संत इससे परे हैं। आज तो लोगों ने जो सर्गुण भक्ति कर रहा है उसको भी संत बोल रहे हैं, जो योग कर रहा है उसको भी संत बोल रहे हैं, जो कथावाचक है उसको भी संत बोल रहे हैं। आखिर संत क्या है, 3 लोग से परे, सर्गुण निर्गुण से परे जो भक्ति कर रहा है वो संत है, और संतत्व की धारा ही साहेब ने बहाई। तो किसको संत बोल रहे हैं आप, जोगी संत नहीं है,
चार वर्ण का भेष बताता हूँ। ये है ब्राह्मण का भेष, क्षत्रिय का मूछ ऊँची और कठार रखना क्षत्रिय, वैश्य धोती कुर्ता पगड़ी और माला बनिया, शूद्र का किसे पता है यहाँ तक कपड़ा पहनेगा ऊपर नहीं, ये शूद्र का वेश। खैर आजकल तो अलग बात है ना, इसी तरह खट दर्शन का ये भेष है। तो आज सबको संत बोल रहे हैं, दरअसल जो मूर्ति पूजा कर रहा है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, वो वैष्णव हो सकता है, कर्मकांडी हो सकता है, संत तो नहीं करता है। कौन है संत? संत कहाँ से प्रारंभ हुए? साहिब ने स्टार्ट किया संतत्व की धारा, जो तीन लोग से परे की भक्ति एक उस सर्वशक्तिमान की बताता है, निरंजन से परे, सर्वगुण निर्गुण से परे, वो संत है। दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सभी धर्मशास्त्रों में सृजन के बारे में लिखा है। सभी धर्म के लोग सृजन के बारे में अपना एक मत रखते हैं। मेरे विचार से किसी भी धर्म ने सृजन के विषय में जो लिखा है वो गलत नहीं है, फिसूल नहीं है, उसका आधार है। फिर भिन्नता क्या है? कोई 10% सृजन स्टार्ट होने के बाद की स्थिति को लिखा है, कोई 15% सृजन होने के बाद की अवस्था जो सृजित हुई उसको लिखा है, बिगनिंग को नहीं लिखा है। इंसान इस मस्तिष्क और कर्म ज्ञान इंद्रियों से परमात्मा के अस्तित्व को कभी नहीं समझ सकता है। इतना अच्छा है, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं गॉड पार्टिकल है पर दिखेगा नहीं, इतना भी अच्छा है। इसका मतलब यह है कि वो निराकार की तरफ इशारा कर रहे हैं, और हमारे वेद भी निराकार का इशारा कर रहे हैं। कुरान शरीफ में भी बेचूना खुदा कहा गया, बाइबल में भी आकाशी पिता कहा गया, यानी यहां तक करीब दुनिया के जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों ने कहा, और जहां से कहा वो ठीक है, लेकिन आदि कोई नहीं जाना, आदि से किसी ने बात नहीं की। साहब ने आदि से बात की, क्या साहब की इस थीम को धर्म समाज मानव ने मान्यता दी? बिल्कुल। इस समय भी विश्व में करीब 50 करोड़ लोग हैं जो साहिब को फॉलो करते हैं। तो आइए हम देखें, क्या आखिर साहिब सृजन के विषय में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, वो सृजन कैसे हुआ, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, उसके विषय में क्या साहिब का दृष्टिकोण है। मनुष्य जब से सृजन हुआ दो चीजों की खोज कर रहा है, पहला इस ब्रह्मांड की खोज कर रहा है, आदमी ब्रह्मांड की खोज में कितना सफल हुआ मैं कहता हूं 1% भी नहीं अभी तक।
अभी तक ये 1% भी सफल नहीं हुआ है। दूसरा, सृजन के आदि से मनुष्य ने परमात्मा की खोज की। परमात्मा की खोज में आदमी कितना सफल हुआ? 1% भी नहीं। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार संसार का सृजन हुए कई अरब साल हुए, करोड़ नहीं, कई अरब साल। इन कई अरबों में सालों में इंसान परमात्म रहस्य को नहीं जान सका। हमारे ऋषि मुनि कहां तक गए? निरंजन निराकार से 1 इंच आगे नहीं बढ़े। ईसाइयों का आगमन भारतवर्ष में 16वीं शताब्दी में हुआ, 1500 कुछ या 17वीं में के प्रारंभ में, 16वीं शताब्दी के अंत में। और साहिब का आगमन 14वीं शताब्दी के एंड में हुआ है। जिस समय साहिब धरती पर आए थे उस समय भारत में ईसाई लोग नहीं थे। पर आप साहिब का ज्ञान देखिए, एक ही धर्म सकल संसार, भिन्न भेद से दर्शन में आ रहा। दुनिया के जितने धर्म हैं एक ही, सभी धर्म एक बिंदु पर हैं। ईसाई कह रहे हैं आकाशी पिता, वो भी निराकार। हम सब कह रहे हैं निर्गुण परमात्मा, वो भी निराकार। यहाँ साहब कह रहे हैं करीब करीब सभी धर्मों का सिद्धांत मिलता है। आप ध्यान दो, वैष्णव धर्म में प्याज और लहसुन त्याज्य है। देखियो जैनियों में भी है, मुसलमानों में भी त्याज्य है, कुरान में साफ लिखा है जो आमिल पच जाता है उसे मांस, उसे लहसुन और प्याज छोड़ना पड़ेगा। और हिदायत दी है कि प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद भी नहीं जाना। देखा, वो भी कह रहे हैं क्यों, ये तामस और इसमें दुर्गंध है। प्याज खाया हुआ आदमी आपके सामने बात करे, इतनी भयंकर दुर्गंध होती है, बहुत। अब सवाल उठा, हमने वर्जित क्यों नहीं किया? वो सुने, जैसे हमने सभी नशे वर्जित किए, गांजा, भांग, अफीम, चरस, शराब आदि। एक आदमी ने मुझे कहा, गुरुजी बीड़ी सिगरेट भी वर्जित करो। मैंने कहा नहीं, इसकी एक वजह है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप बीड़ी सिगरेट खूब पिए। पर ये मना क्यों नहीं किया? बीड़ी सिगरेट शराब से भी ज़्यादा घातक है। जिस दिन आदमी ठीक से जान जाएगा बीड़ी सिगरेट का कितना नुकसान है, तो वो फिर इसको छुएगा भी नहीं। 11 नुकसान है सिगरेट से, बीड़ी सिगरेट से। सबसे बड़ा इसका असर फेफड़ों पर पड़ता है। दूसरा, डाइजेशन बिगड़ जाएगा। तीसरा, गैस्ट्रिक बन जाएगा। चौथा, उतावलापन लाएगा, ब्रेन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। पांचवा, स्किन को डिस्टर्ब करेगा। जो भी बीड़ी सिगरेट का सेवन करेंगे उनकी त्वचा से लवणें खत्म हो जाएगी, हार्ट को बहुत नुकसान हो जाएगा, दांतों का सत्यानाश कर देगा। संगी।
स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। 11 नुकसान है सिगरेट से, बीड़ी सिगरेट से। सबसे बड़ा इसका असर फेफड़ों पर पड़ता है, दूसरा डाइजेशन बिगड़ जाएगा, तीसरा गैस्ट्रो बन लाएगा, चौथा उतावला बन लाएगा, ब्रेन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, पांचवा स्किन को डिस्टर्ब करेगा। जो भी बीड़ी सिगरेट का सेवन करेंगे उनकी त्वचा से लवण खत्म हो जाएगा, हार्ट को बहुत नुकसान पहुँचाए, दांतों का सत्यानाश कर देगा, मुख से दुर्गंध आएगी, इससे बाल भी झड़ेंगे, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत हानिकारक है। ये 11 नुकसान है। अपने पास भूख को तो ये मिटा देगा, भूख पर बहुत मार मारेगा, डाइजेशन सिस्टम बिगाड़ते, लोग पी रहे हैं, डॉक्टर लोगों को पीते देखा मैंने, इसलिए कंडीशन में नहीं रखा कि पहले जो ये कंडीशन रखी है, कुछ लोग कह रहे यही टफ है बड़ी, तो मैंने यूं कहा, आज्ञा नहीं दी, लेकिन इसका ये है, शराब तो जो शराब का नशा करता है वो केवल अपने लिए घातक नहीं है, समाज के लिए बहुत हानिकारक आदमी है वो, जितने नशे एक्सीडेंट हो रहे हैं वो नशे से हो रहे हैं। प्रशांत महासागर में एक जहाज गिरा था, 208 आदमी मर गए उसमें, क्या था, जो ड्राइवर था हीरोइन का सेवन करता था, हीरोइन खाता था, उसका सेवन करता था, तो क्या था, थोड़ा शरीर में सुस्ती आती है, गांजा भांग शराब अफीम अमल करने वाले के शरीर में सुफुर्ति नहीं रहेगी, आलस रहेगा, क्योंकि नशा स्नायु मंडल पूरा डिस्टर्ब होता है। अच्छा, साहब का क्या दृष्टिकोण है, साहब ने एक ही बात में पूरा मामला समेट कर फेंक दिया किनारे पर, जहल लग अमल सभय हरामा। देखिए, मैं मुझे चाय छोड़े 40 साल हो गए, कितने साल, 40, इसमें भी निकोटिन है, इसकी भी तलब बहुत जोरदार लगती है, मुझे अफसोस है कि अभी वैज्ञानिकों ने चाय के गुण लिखना शुरू किए हैं, मुझे लगता है चाय की किसी फर्म ने इनको बहुत बड़ी रकम दी है, चाय में निकोटिन है, चाय नशा है, चाय का अमल भूख से भी खराब है, और ये कितना गंदा नशा है, भूख मिटा देगा, कितनी भी भूख लगी हो एक कप चाय पीना भूख गुम, भोजन नहीं मिलने से आदमी इतना नहीं तड़पता है जितना सिगरेट नहीं मिलने से। कोई भी नशा छोड़ने के लिए 24 घंटे तो आपका दिमाग घूमेगा, 3 दिन तक तो आपको ऐसा लगेगा कि मर जाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, तो 21 दिन तक बहुत तेज खिंचाव आएगा, इसलिए कुछ लोग 2-4 दिन छोड़कर फिर पीने लग जाते हैं, और 6 महीने तक अमल बरकरार रहेगा। अगर आदमी 21 दिन क्रॉस कर लेता है तो समझो थोड़ा सा नशा छोड़ने की उम्मीद है, नशा जवान रहता है, मन कहेगा एक बार पी लो क्या फर्क पड़ता है, 2 साल तक 50%, 2 साल छोड़ने के बाद मैं सोचता छूट गया, नशे की जान रहती है 14 साल। ये 14 फिगर बहुत खास है, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 जो मन है 40 शेर का है, इस तरह ये मन जो है ये भी 40 शेर का है, 5 तत्व गिनो,
25 प्रकृति कितना हुआ 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां ये 40 मिलाकर मन है जैसे 40 शेर का मन है ना ये पूरा मन है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है संपात ठीक दिमाग फेल होना हमारा दिमाग सभी चीजों को कंट्रोल करता है जब ये दिमाग खराब हो गया तो पूरा मामला ही गड़बड़ है कांग भूषण ने रामायण में गरुड़ जी ने कांग भूषण से 7 प्रश्न पूछे थे को बड़ सुख कहो तुम ताता हे तात तात मित्र को भी कहते प्रिय को भी कहते पिता को भी कहते बंधु को भी कहते गुरु को भी कहते चेले को भी कहते जैसे डियर तात ऐसा शब्द है कवन 7 प्रश्न पूछे को बड़ सुख कहो तुम ताता कवन दुख करो विख्याता को अग जग में आहे विदित पिशाला कौन सा सुख है सबसे बड़ा कौन सा दुख है कौन सा पाप है कवन रोग कौन सा रोग है जो भयावह है सबसे क्या दुर्लभ है सबसे बड़ा ज्ञान क्या है सबसे बड़ा पाप क्या है सबसे बड़ा पुण्य क्या है सबसे बड़ा दुख क्या है सबसे बड़ा सुख क्या है सबसे दुर्लभ क्या है सबसे बड़ा रोग क्या है ये 7 प्रश्न पूछे उत्तर सुनना पारहित सरस धर्म नहीं आना दूसरे का भला करने के समान कोई भी धर्म और अच्छा काम नहीं है आप सोचे पर पीड़ा सम नहीं अधमाना दूसरे को मन वचन कर्म से किसी भी तरह तकलीफ देने से बड़ा कोई गलत काम नहीं है आप सोचे जो आदमी आपको कष्ट दे उसके प्रति आपकी सोच कैसी होगी जिसको आप पीड़ा देंगे पूरी उम्र वो भी याद रखेगा बड़ी घृणा से बड़ी नफरत से तो ये बेवकूफी वाला काम क्यों करना इसको बाईपास कर लो ना अकलमंदी तो ये है कि ऐसे काम को बाईपास करो मैं तो ये कहना चाहता हूं अगर घर में आपकी औरत झगड़ालू है उसको भी बाईपास करो ना कैसे बाईपास करो सुनो ही नहीं तो तुम भी झगड़ालू नंबर 1 बन जाओगे ठीक है अगर आपका आदमी झगड़ालू है उसे भी बाईपास करो ना आओ मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मैं फौज में जेसी था जूनियर कमीशन ऑफिसर था तो अफसर जेसीओ को कमरे होते हैं जो जवान है वो बेचारे बैरिक होती है तो हम लोगों के कमरे थे एमएस वालों ने कहा कमरों में रंग रोगन रिपेयर करना है तो उन्होंने क्या बोला बोला पहले इस लाइन के जो 6-8 कमरे हैं इसके अधिकारी निकलकर जो इस साइड में 8 कमरे हैं उसमें जाएंगे डबल रहेंगे थोड़े दिन नहीं तो एक्स्ट्रा कमरे नहीं थे जब वो हो जाएगा तो इधर वाले भी वापस उधर पूरे जाएंगे ये हो जाए फिर अपने अपने कमरे में हो जाएंगे तो इसमें एक था सूबेदार साहब वो सूबेदार साहब का स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा बड़ा झगड़ालू उसको कोई भी अपने कमरे में शिफ्ट नहीं कर रहा था वो झगड़ा ही ढूंढता था एसएम ने मुझे कहा साहब इस साहब को अपने साथ आप रखें मैं कहा ठीक है अब मेरा रहन सहन अलग है वो खाते पीते भी थे वो सूबेदार साहब मैंने कहा बसर कर लेंगे तो क्या हुआ मेरे कमरे में मेरा बेड था मेरी एक अलमारी थी एक घड़ा था
एक अटैची थी और ड्रेस टांगने के लिए मैंने न्यूज़पेपर लगाकर हैंगर लटकाए थे ताकि कलर नहीं लगे दीवार का यूनिफॉर्म को। वो मेरे कमरे में आया, मेरे कमरे में मेरे शिष्य भी आते थे तो उनके लिए मैंने जगह रखी थी, बैठते थे, मिलते जुलते थे मुझसे। उसने क्या किया, जैसे बाकायदा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है, अंदर आते ही उसने ये ड्रामा किया। मुझे कहा साहब देखो आपके ये जो कपड़े हैं अपनी साइड करो, ठीक है, ये आधे हिस्से में मैं रहना है, आधा आप, आपका जूता अपनी खटिया के नीचे रखना, मेरे साइड में नहीं रखना। मैं कहा ठीक है। बोला जो ये टेबल आपकी है ना, इसको भी अपनी साइड करो। मैं बोला भाई टेबल कहाँ रखूँगा, इस साइड तो खिड़की है, इधर दरवाजा है, इधर टेबल तो नहीं होगी, टेबल से आप भी काम लेना। बोला नहीं नहीं टेबल ही आनी चाहिए। मैंने लड़के को बोला ठीक है टेबल फोल्ड करके बाहर रख दे। उसने बोला देखिए ये आपके जो कपड़े हैं ना अपनी साइड पे लगाओ। मैं कहा ठीक है। मैंने फैसला किया इससे भिड़ना नहीं है, इससे नहीं भिड़ना है। हालांकि मैं उसकी बेइज्जत कर सकता था, मैं कह रहा चार दिन के लिए आए, इतनी बड़ी नाटकबाजी कर रहे, नहीं कह सकता था क्या? आप किसी का भी अपमान करने के टाइम पर थोड़ा रुको, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना, ये अच्छा काम नहीं है। मैं कहा ठीक है। मैंने लड़के को कहा, लड़का बड़ा तिलमिला रहा था, बोला ये कैसा आदमी है, आपका कमरा है, आप यहाँ रहते हैं, ये आया चार दिन के लिए, ये पूरा सेटिंग खराब कर रहा है। मैं कहा चुप रहे। तो एक लड़का सेवादार होता है अफसर जैसियों के साथ, मेरे साथ भी था, उसके साथ भी था, उसको बोला आधे कमरे में झाड़ू लगाना, इस साइड में नहीं लगा। सुनो, हालांकि उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, सामने छोटा बगीचा था कमरे के, तो वो अपने लड़के को कहता था आधे में पानी डालना सुबह, इधर वाले हिस्से में नहीं डालना। तो मेरा लड़का कहता था ये क्या तमाशा आदमी है। मैं बोला चुप रहो, इसको कुछ नहीं बोलना है। एक दिन वो आया तो उसकी चारपाई पर थोड़ा चद्दर में थोड़े सलवट थे, क्योंकि कोई आदमी बैठ गया था हमारा। बोला साहब देखिए मेरी खटिया पर कोई बैठेगा नहीं। मैं कहा ठीक है, क्योंकि मैंने फैसला जो कर रखा था इससे भिड़ना है ही नहीं है। जिस समय मैं संध्या को ध्यान में बैठूंगा वो शराब निकाल कर पीता था। फौज में अफसर जैसियों को काफी मिलता है मांस शराब मुर्गे वगैरह, कोई कमी नहीं होती। कभी कभी वो कमरे में भोजन भी मंगाता था, हड्डी भी चबाता था। मैं कहा कोई बात नहीं। ऐसे 6-7 दिन बीत गए। जो उधर रंग रोगन और मेंटेनेंस करने वाले महकमे के थे वो पूरे नहीं आ पाए, तो मामला लंबा खिंच गया, महीने भर का मामला हो गया। बिजली वाले आए तो पेंट करने वाले नहीं आए, रिपेयरिंग करने वाले आए तो बाकी नहीं आए, ऐसा हुआ। 7-8 दिन बाद वो मुझे बोला महाराज आप बहुत जोरदार आदमी हैं, मुझे आप अपने जैसा बनाओ, देखो मैं कितना गंदा हूं। देखिए वो कह रहा है मैं कितना गंदा हूं। बोला कुछ स्वभाव ऐसा है मुझे चिड़ी आती रहती है 24 घंटे। क्या बोला, कुछ स्वभाव ऐसा है, आपसे मैं बड़ी बदतमीजी किया, आप शांत रहे, आप इतने ज्ञानी ध्यानी हो, मैं आपको जानता भी हूं, आप एक एक घंटा बैठ जाते हिलते भी नहीं है। एक दिन मैं आपको देखकर मैं भी सोचा थोड़ी देर बैठूं, मैं 5 मिनट नहीं बैठ पाया। वो बोला आप देखो कितने सरल जिंदगी जीते हैं, कितने प्रसन्न चित्त है, मैं घोड़ा घोड़ा, सब मुझसे नफरत भी करते हैं। लेकिन साहब बताऊँ क्या है, मुझे यहाँ हमेशा वजन सा लगता है, बस गुस्सा गुस्सा जैसा लगता है। ओ मैंने कहा ठीक है। अब उसका मुझसे इतना भाव बन गया, उसने शराब भी छोड़ दी, हड्डी चबाना भी बंद कर दी, बीड़ी सिगरेट भी बंद कर दी,
इतना बड़ा मुझसे स्नेह करने लगा। जब वहां का काम हो गया जाने की बारी आई, वो कहा नहीं मैं नहीं जाना है, वो कहा मैं नहीं जाना है, यही रहना है, आप मानेंगे। आगे चलकर उसने मुझसे दीक्षा ली, अपनी बेटी को दीक्षा दिलाई, अपनी पत्नी को दीक्षा दिलाई, राजस्थान का था वो, अभी भी मुझसे मिलता है। भाई बुरा जो खोजन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुस्सा बुरा न कोई। आपकी पत्नी उदंड और झगड़ालू है, चिंता मत करो, आप उसको जीत लो ना, उसको उदंडता करने दो, सह लो, उसको विवेक आ जाएगा, ठीक है, वो पछताना पड़ेगा। कोई हमारा अपमान आदमी का करता है वो सोचता है अब वो जीत गया, नहीं, तुम सह लो तुम्हारी विजय होगी। अपमान करने के लिए तो ज़्यादा ताकत चाहिए ही नहीं, ज़्यादा ज्ञान चाहिए ही नहीं, लेकिन बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। बाईपास कर लो। मैं सफर करता रहता हूँ, कितने अटपटे अटपटे लोग मिलते हैं बताऊँ। एक बार फर्स्ट एसी की बात, तो दो सीट होती है, एक ऊपर एक नीचे, जो ऊपर वाला है उसको भी तो नीचे रखने का अधिकार है ना, आधे में सामान, और 10 बजे तक तो वो सीटिंग पे होता है स्लीपर, 10 बजे के बाद रात को, वो 8 बजे ही बोल रहा था अपनी सीट पर जाओ। मैंने कहा कि आराम करने तक शरीर स्वस्थ ठीक नहीं क्या, बोला नहीं जी आप अपनी सीट पर जाइए। मैंने कहा थोड़ा सामान साइड, बोला सामान मेरे को भाई हाथ नहीं लगाना, मैं बोला मुझे भी तो रखना है, बोला फिर पहले आना चाहिए था। अब मैं उसकी मेंटेलिटी जान गया कि ये आदमी सूझबूझ वाला नहीं है। जो मेरे साथ लड़का था उसने बोला पहले और बाद की क्या बात होती है, आपका सीट उधर है, आधे में आप बैठिए, आधे में ये बैठेंगे, आधे में आप सामान रखे, आधे में ये सामान रखेंगे। उसको बोला तुम ज़्यादा कानून जानते हो क्या। मैंने इशारा किया चुप रहे, ठीक है। कभी कभी सफर में बड़ी चीज़ें हो जाती, घूमते ही रहता हूँ, घर द्वार ही नहीं है। एक बार मैं जा रहा था तो दिल्ली से मैंने ट्रेन पकड़ी, जब ट्रेन अंबाला में रुकी एक मोटी सी बहन जी उसमें चढ़ी, उसका हस्बैंड भी साथ था, अच्छा ठीक है। तो रेलगाड़ी में बड़ी कम जगह होती है ना, जो जाने का रास्ता है कोई बहुत चौड़ा नहीं होता है, होता है क्या चौड़ा, एक सीट तो लंबी ही होती है, एक साइड की होती है, बीच में 1.5 से 2 फीट होगा। वो क्या कर रही थी, ऊपर सामान रखकर कुछ खोल रही थी या पेटी में या कुछ कर रही थी। पहले तो मैं 1 मिनट इंतजार किया कि ये निपट ले तो मैं निकलूं, और तगड़ी सी थी। अब जब मैं निकलूंगा तो उसको धक्का लगेगा, पूरा पूरी बॉडी स्पर्श करके निकलना था। मैं कहा ये ठीक नहीं है। मैंने कहा माता जी थोड़ा साइड हो जाओ, वो मुझे ऐसे घूरिए अभी खा जाएगी। अच्छा मैं तो निकल कर सीट पर बैठा, वो मुझे घूरे जाए घूरे जाए। उसके पति ने पूछा की गल है, पंजाबी थे, पति ने सोचा शायद ये आदमी कोई शरारत करके गया है। उसके देखने का अंदाज कुछ इतना वायलेंस वाला था, इतना उग्र था। पति ने धीरे से पूछा की गल है, बोला एनू मैं माताजी दिखती हूँ, यानी उसको ये एतराज था कि इसको मैं माताजी लग रही हूँ, मैं क्वाइट यंग, ये मुझे माताजी बोला है। साहब स्त्री आदमी बूढ़ा हो ये मंजूर करती, औरत बूढ़ी हो गई ये मंजूर नहीं करती। संगी।